सैमसंग थीम्स में आपको काफी सारे आइकन पैक्स देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर पेड एंड बचे फ्री वाले। तो उनमें से मैंने आज तीन ऐसे इंटरेस्टिंग आइकन पैक्स सिलेक्ट किए हैं, जिनको अगर आप सही वॉलपेपर के साथ में लगाओगे तो आपके डिवाइस का कंप्लीट लुक एंड फील चेंज हो सकता है। तो चलो फिर जल्दी से चेक करते हैं। तो फर्स्ट आइकन पैक का नाम है सिंपल ब्लैक नियॉन लाइंस। अब ये एक सिंपल एकदम मिनिमलिस्टिक सा नियॉन इफेक्ट वाला आइकन पैक है, जो ब्लैक वॉलपेपर के साथ में काफ़ी एक किलर लुक दे देगा आपके होम स्क्रीन पे। तो चलो फिर अप्लाई जल्दी से करते हैं। अब अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आइकन है वो हमारे चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो सारे आइकन्स है वो कैसे लग रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट न्यू फील आपको आ जाएगी और नियॉन इफेक्ट है तो काफ़ी अमेजिंग भी लगेगा एमोलेड स्क्रीन्स के ऊपर। और अगर आपके डिवाइस में एमोलेड स्क्रीन है तो डेफिनेटली आपको इस आइकन पैक को ट्राई करना चाहिए। इसके बाद दूसरे आइकन पैक का नाम है स्वर्क। अब इस आइकन पैक में आपको सारे ब्लू थीम्ड आइकन्स देखने को मिलते हैं, जो वाइट सर्क्यूलर बैकग्राउंड के साथ में आते हैं। तो पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, और अगर आप इस आइकन पैक को किसी ब्राइट वॉलपेपर के साथ में यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली एक इमर्सिव लुक देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे वो हमारे सारे आइकन्स जो चेंज हो चुके हैं, और पीछे से आप देख सकते हो जो वाइट बैकग्राउंड है वो काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं, मतलब एक आपको कंप्लीट मिनिमलिस्टिक सी फील देखने को मिल जाएगी इस आइकन पैक के अंदर। और जो आइकन्स चेंज नहीं हुए हैं, जैसे थर्ड पार्टी आइकन्स है, उनके पीछे भी आपको ये वाइट सर्कुलर बैकग्राउंड देखने को मिलता है, जो काफ़ी यूनिक है हमारे रेगुलर लुक के हिसाब से। इसके बाद हमारा लास्ट आइकन बैग है, उसका नाम है हैंड रिटन क्यूट इंग्लिश आइकन्स। अब इस आइकन बैग में आपको जो आइकन्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन के नाम है वो आपको एक कर्सिव हैंड राइटिंग फॉन्ट में देखने को मिलेंगे। तो अप्लाई करते हैं इस आइकन बैग को, और यहाँ पर अगर आप कोई डार्क सा वॉलपेपर यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली एक अमेजिंग लुक देखने को मिलेगा, और अगर आपकी एमोलेड स्क्रीन है तो और भी सोने पे सुहागा। तो ये एक काफ़ी यूनिक अप्रोच है किसी भी आइकन स्टाइल के लिए, मतलब सारे ऊपर से नाम आपको देखने को मिल जाते हैं एक यूनिक फॉन्ट में। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो। अब इन तीनों आइकन पैक में से आपको कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट्स में बता के जाना, और जाते जाते हम यूट्यूबर्स के तीन बेसिक नीड्स को जरूर से पूरा कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे। मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।